आंखें छोटी हैं। आखिर तुम्हें लगता क्या है रोबिता, मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे बुरा मत मानो, लेकिन तुम थोड़े बदले हुए दिख रहे हो। असल में मुझे बीचैन से मिलने जाना है, इसलिए मैंने इस डिजायर मिरर की मदद से अपने आप को बदल लिया है। कैसा लग रहा हूँ? क्या कहा डिजायर मिरर? अब जरा ये देखो, मैं वापस तुम मिरर के अंदर ही बदली हो। अब देख के जाओ नोबिता। देखा तुमने? वाह, मुझे भी ट्राई करना है, मुझे भी ट्राई करना है। मैं भी चेंज हो सकता हूँ? हाँ नोबिता, इस डिजायर मिरर की मदद से तुम कैसे भी चेंज हो सकती हो। ओके, तो अब मुझे एक लंबी नाक चाहिए। अरे नहीं नहीं, ये तो जादूगर जैसी हो गई। मुझे क्या चाहिए? देखो नोबिता, ज्यादा लालच मत करो, समझे? अच्छा, मुझे एक और चीज चाहिए, मुझे पतली और लंबी टांगे चाहिए। ओके। कितना मजा आता अगर मैं हमेशा ऐसे और भी अच्छा दिखता है ना। तुम तो वैसे भी अच्छे लगते हो, हमेशा शिकायत नहीं करनी चाहिए। मुझे शिज़ुका की बुक वापस करने जाना था, मैं तुमसे फ्री गेम नोबिता की वजह से हार गए। क्योंकि नोबिता को बेसबॉल ठीक से खेलनी आती ही नहीं है। जियान और सुनियो, भागो। सुनियो, आज अगर मुझे नोबिता मिल जाए तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, उसको सजा तो मिलनी चाहिए। जरा एक मिनट, तुम दोनों वहीं रुको। मैंने सुना जो तुम दोनों आपस में बात कर रहे थे। तुम दोनों अपने दोस्त को जबरदस्ती बेसबॉल खिलाते हो ना, क्यों? मैंने सही कहा? क्या कहा? हमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अरे वो सब छोड़ो और मेरी बात सुनो। मैं भी बेसबॉल कुछ अच्छा नहीं खेलता हूँ, लेकिन जरा मेरी तरफ देखो, मेरे पास लंबी और पतली टांगे हैं और साथ ही है। लेकिन हमारी अच्छाई और बुराई हमें एक पहचान देती है, क्यों? समझ गए ना? वैसे एक बात कहूँ, अगर तुम लोगों को जलन हो रही है कि मैं गुड लुकिंग हूँ, तो तुम्हें होनी भी चाहिए। जियान सुनियो, चाहे तुम कितने भी बेकार और अजीब से दिखते हो, लेकिन दादागिरी कभी नहीं छोड़ोगे, क्यों? मैंने सही कहा ना? हाँ। तुम चाहो तो तुम्हारी कहना था। थैंक यू वेरी मच। हम ऐसा ही करेंगे अब। अरे सुनियो, मैं उसे किस बात के लिए थैंक यू कह रहा था? हाँ, वो मुझे ऐसा कहने वाला होता कौन है? और मैं अगर तुम्हारी जगह पर होता तो उसे थैंक यू कभी नहीं कहता। वो तो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसकी आवाज़ कहीं सुनी सुनी लग रही थी? क्या कहता है? अरे वाह जियानो, सुनियो ने मुझे पहचाना भी नहीं, मैं बिल्कुल अलग दिख रहा हूँ। शिज़ुका भी मुझे देखकर हैरान हो जाएगी, अब तो मुझे सच में पहले से भी ज्यादा मजा आने वाला है। शिज़ुका? हाँ? अरे ये क्या शिज़ुका, तुम पौधों को पानी दे रही हो? क्या? अच्छा ठीक है। शिज़ुका याद है ना, तुम भूली तो नहीं, ये बुक मैंने तुमसे ली थी। अरे ये बुक तो मैंने नोबिता को पढ़ने के लिए दी थी। हाँ? अब तुम्हें विश्वास हुआ कि मैं ही नोबिता हूँ? मैं जानती हूँ तुम नोबिता के कोई रिलेटिव हो या फिर उसके कोई कजन। वैसे एक बात कहूँ, तुम दिखते तो कुछ कुछ नोबिता जैसे। वैसे उसे इतनी जल्दी वापस करने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे ये तो मैं भूल ही गई। ओ जरा रुको, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, तुम भी नोबिता की तरह एक बहुत अच्छे लड़के हो, सच में। क्या कहा? मैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब नोबिता एक बहुत अच्छा लड़का है। हाँ देखो, मैं हूँ डोरेमोन। अरे रुक जाओ, जरा रुको बीचैन, एक मिनट रुको। तुमने उसकी पूंछ देखी? वो लग तो डोरेमोन जैसा रहा था। चलो पता करते हैं। मैंने अपने आप को बदल लिया था, पर लगता है मीचान को मैं पसंद नहीं आया। क्या कहा डिजायर मिरर? अच्छा तो ये है डिजायर मिरर, और इसी की मदद से किसी का भी चेहरा अच्छा और उसकी टांगे लंबी हो सकती हैं। चलो चलो हम भी ट्राई करते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नोबिता ने भी इसे यूज किया था। कैसे हुई? और तो और, उसने हमारी इंसल्ट भी की। नोबिता, तुम्हारी इतनी हिम्मत! सुनो जियान, क्यों ना हम भी उसकी तरह गुड लुकिंग बने और उसको चलकर सबक सिखाएं। हाँ डोरेमोन, प्लीज हमें बताओ कि इसकी मदद से हम गुड लुकिंग कैसे बने। जल्दी बताओ। चलो। वैसे तो नोबिता बाकी दोस्तों की तरह ही है, लेकिन वो कुछ स्वीट है। क्या सच में? वो वाकई बहुत स्वीट है बाकी दोस्तों की तरह, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ मेरा मतलब वो और दोस्तों जैसा ही है, वो
कभी ना नहीं कहता और मुझे नोबिता जैसे लोग पसंद है जो किसी भी वक्त अपने दोस्तों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। अरे मजाक उड़ाने की, हमें देखो नोबिता, अब हम भी तुम्हारी तरह गुड लुकिंग लग रहे हैं। तुमने हमारा मजाक उड़ाया था। तुम लोग कौन हो? मैं वो नहीं जो तुम समझ रही हो। अब हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। डोरेमोन हमें सब कुछ सच सच बता चुका है नोबिता, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस मामले से तुम दूर ही रहो। और तुम हो नोबिता, क्यों मैंने सही कहा ना? सही कहा। अरे जरा तुम लोग अपना मुंह तो देखो, क्या हो गया तुम्हें? इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम लोग गुड लुकिंग तो दिख रहे हैं। क्या हम लोग इतने बुरे दिख रहे हैं? नहीं बुरे नहीं दिख रहे। तो तुम आखिर हंस क्यों? पता नहीं शिजुका हमें देखकर इतना हंस क्यों रही थी। ये सब तुम्हारे बेकार गैजेट की वजह से हुआ है डोरेमोन। ये तो गलत बात है जिया। मुझे जल्दी से जल्दी वापस पहले जैसा होना है डोरेमोन। हाँ तुमने ठीक कहा, चलो घर चलकर हम वापस नॉर्मल हो जाते हैं। मैं घर आ गया। यहाँ पर खड़े होकर मत पढ़ो। हॉरोस्कोप में तुम्हारे बारे में तो कुछ नहीं लिखा था। क्या कहा? उसमें लिखा था कि कहूँ कि वो आदमी मेरा अच्छा दोस्त नहीं था। काश मुझे मेरी अच्छी दोस्त जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए अच्छी दोस्त। हाँ हाँ शिजुका, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम डेगिजुकी के साथ हो? हाय। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? हम होमवर्क करेंगे मेरे घर पर। तुम्हारे साथ मैं भी आ सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम हमेशा दूसरों की नकल। मतलब ये लोग, मुझे विश्वास नहीं होता कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मेरे हॉरोस्कोप में सब कुछ झूठ लिखा था, मुझे कोई अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा। ये क्या किया? अगर ये टूट जाती फिर क्या होता नोबिता? तुम बहुत ही लापरवाह लड़के हो। सुनियो तुम्हें अपने कार को ढंग से नहीं चला रहे थे। तुम रोड पर देखे नहीं? सुनियो का दुश्मन मेरा दुश्मन है, समझ गए नोबिता? सुनियो और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्यों है ना सुनियो? तुम बहुत अच्छे हो जियान, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम बहुत ताकतवर हो, सच में। तो फिर तुम मुझे अपने टॉय से खेलने दोगे? हाँ हाँ, जब तक चाहो खेल सकते हो। समझा, आज सुनियो और जियान ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया नोबिता। डोरेमोन तुम जरूर कुछ करोगे ना? मैं उन्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। क्या चाहते हो डोरेमोन? हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। मुझे पता चला तुम दोनों ने क्या किया, अब पता चलेगा इन्हें। तुम लोग बहुत खराब हो। इसमें रोबिता की कोई भी गलती नहीं थी। अरे दीदी डोरेमोन, तुम कहाँ जा रहे हो? सुनो, रुक जाओ, हटो यहाँ से, भाग जाओ, मैं कहता हूँ। मिजान को नुकसान पहुँचाओगे तुम। मिजान अब डरो मत, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मुझे पता है तुम डर गई थी, इसीलिए हमने बैजेस लगा लिए हैं। बहुत ही बुरे हो डोरेमोन। मुझे माफ कर दो नोबिता, मैं तुमसे नहीं बात करना चाहता। मैं क्या करता, मुझे मेरे बड़ी बैच से सिग्नल मिला था। क्या, एक बड़ी बैच? हाँ सही कहा। अगर मैं ये लगा लूँ और मेरे दोस्त को मेरी जरूरत हो तो मुझे जाकर अपने दोस्त की मदद करनी होगी। क्या सच में? क्या तुम्हारे पास एक और बैच है? हाँ है। तो ऐसा कोई जो तुमसे भी ज्यादा भरोसेमंद डोरेमोन? बाय। ओहो, अब मैं जल्दी से किसी को अपना दोस्त बनाऊंगा। अरे नोबिता, शायद आपको देना चाहता हूँ। इन खिलौनों से खेलना बंद करो, तुम्हें पढ़ा। सॉरी सर। इस लड़के ने तो मुझे परेशान कर दिया। शुक्रिया, बच गया, पर मुझे अपना बैच ढूंढना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि वो बैच यहीं कहीं होगा। कहाँ पर होगा? ओफो। परेशान मत करो, अभी मैं बिजी हूँ।
क्या तुम ठीक हो नोबिता? अच्छा तो तुम हो जियान। उस डॉगी की हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे दोस्त पर हमला करने की? तुम्हें ये मैच जरूर बताना, चलता हूँ। वाह मजा आ गया जियान, तो मेरे दोस्त है ये यिप्पी। सुनो मुझे वो टॉय दे दो। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। भाग जाओ, मैं इसके बारे में जियान को जरूर बताऊंगा। अच्छा तुम उसे बता देना। जियान जैसे ही आएगा तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, वो तो उसके आने पर ही देखेंगे। छोड़ दो इसे। वो देखो जियान आ गया। हाय जियान। देखो नोबिता मुझे परेशान कर रहा है। ना चाहो उतना इस्तेमाल करो नोबिता, फिर मिलेंगे। ये क्या हुआ? बाय। वाह ये कितना मजेदार है। मेरे पास दो जोड़ी और है, चलो मैं कुछ और दोस्त बनाता हूँ जो मेरी मदद करेंगे। देखिए जुक्की मैं अपना होमवर्क नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी मदद करोगे? बोलो करोगे ना? क्यों नहीं, आखिर तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो नोबिता। तुम्हारा होमवर्क जब खत्म हो जाएगा तब मैं उसे कॉपी कर लूँगा। मैं नोबिता की मदद जरूर करूँगा। चलना होगा नोबिता, मुझे पियानो क्लासेस जो जाना है। क्या? थोड़ी देर रुक जाओ ना। नहीं नहीं मैं नहीं रुक सकती नोबिता, मुझे जाना ही होगा। बाय। तुम कौन सा खेल खेलना चाहोगे? कैच क्रैडल। क्या तुम अब भी जाना चाहती हो? अरे नोबिता कहाँ जा रहे हो? मेरा इंतजार करो जियान, तुम्हारा सच्चा दोस्त आ रहा है, बस रुके रहो। जियान तुम्हारी शैतानियों की वजह से आज तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। सॉरी मॉम मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मॉम, प्लीज प्लीज मॉम माफ कर दीजिए ना। बस समय से नहीं आएगा, उसे छोड़ दीजिए। अगर आप मेरे दोस्त को मारेंगे तो आपको मुझे भी मारना पड़ेगा। जाओ यहाँ से। प्लीज आंटी ऐसा मत कीजिए, मेरी बात मान जाइए आंटी। जियान ऐसा कभी दोबारा नहीं करेगा, आप मेरा यकीन करिए। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है दोस्त, चलो साथ में मार खाते हैं। जरूर।